हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, डे वन पेपरव्यू को होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं एंड जिस मैच के लिए फैंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच। बिकॉज यहां पर पॉल हेमन नहीं रहने वाले रोमन रेंस के साइड और हमें इस मैच का क्लियर रिजल्ट निकलते हुए दिखेगा। तो गाइस, आप सबको बता दूं, हो सकता है डे वन के पेपरव्यू में हमें फाइनली रोमन रेंस का टाइटल रेन एंड होते हुए दिखे। आखिरकार क्या कुछ अपडेट निकल कर आई है आज की इस वीडियो में, इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ WWE से जुड़ी एक काफी बड़ी बैड न्यूज के बारे में। साथ ही साथ डे वन पेपरव्यू में होने वाले WWE चैंपियनशिप मैच की क्या कुछ बैटिंग ऑड्स है वो निकल कर आ चुकी है सामने। तो गाइस, सबसे पहले हम डे वन पेपरव्यू में होने वाले WWE चैंपियनशिप मैच के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है बिग ई वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस बॉबी लेस्ली के बीच एक फैटल फोर वे मैच। जैसा कि फैंस इस मैच को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिरकार यहां पर जीतेगा कौन, बिकॉज सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस ने एक साथ टीम बना ली है और ऐसी अपडेट्स भी निकल कर आ रही है कि बॉबी लेस्ली का फेस टर्न होने वाला है। तो गाइस, इन सारी सिचुएशन में जो हमारी विनर चुनने में मदद करता है वो है बैटिंग ऑड्स। बिकॉज बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग हम सब आइडिया लगा लेते हैं कि इस मैच में जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस किसके, अगर WWE कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं सोचती है। और गाइस, बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग यहां पर जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है वो कोई और नहीं, वो खुद है चैंपियन बिग ई, यानी कि वो रिटेन करने वाले अपने WWE चैंपियनशिप। और इसके बाद जिसका नंबर आता है वो है सेथ रॉलिंस की, वो बन सकते हैं हमारे न्यू WWE चैंपियन। इसके बाद नंबर आता है बॉबी लेस्ली का एंड सबसे कम चांसेस है केविन ओवेंस के। सो गाइस, यही कुछ अर्ली बैटिंग ऑड्स निकल कर आई है WWE चैंपियनशिप मैच से रिलेटेड। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं वो तो मैं आप सबको बता ही दूंगा। वैसे भी भाई, अब डे वन पेपर व्यू को होने में 1 से 2 हफ्तों का टाइम ही रह गया, चांसेस काफी ज्यादा कम है कि बैटिंग ऑड्स में हमें चेंजेस होते हुए दिखेंगे। इसलिए आप सब मानकर चल सकते हो कि सबसे ज्यादा चांसेस यही है कि बिग ई अपनी WWE चैंपियनशिप रिटेन करने वाले डे वन के पेपर व्यू में। वैसे आपको भी क्या यही लगता है कि बिग ई रिटेन करेंगे अपनी WWE चैंपियनशिप या फिर यहाँ पर बनेगा कोई और न्यू चैंपियन, एंड वो न्यू चैंपियन कौन हो सकता है वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो की जुड़ी है WWE से जुड़ी बैड न्यूज से। देन गाइस, ये बैड न्यूज कुछ और नहीं, वो है कोविड से रिलेटेड। आप सबको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में ऐसी अपडेट्स आ रही है कि WWE वापस से थंडरडोम में जाने की सोच रही है, यानी कि वो अपना बैकअप प्लान लेकर चल रही है। सो गाइस, WWE वापस थंडरडोम में जा सकती है, इसके चांसेस और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। बिकॉज WWE के गाइस कई सारे टैलेंट पॉजिटिव पाए गए COVID-19 के। अब टैलेंट में सिर्फ सुपरस्टार्स ही नहीं आते, बैकस्टेज एम्प्लॉय वगैरह भी आते हैं। तो आप सब कह सकते हो WWE के लिए ये एक तरह से डेंजर हो चुका है। साथ ही साथ WWE कनाडा में हाउस शो कराने के बारे में सोच रही थी, उसे उन्होंने कैंसिल कर दिया या कहा जाए पोस्टपोन कर दिया। तो गाइस, सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है, केसेस काफी ज्यादा स्पीड में बढ़ रहे। होप करते हैं ये कोविड ज्यादा ना बढ़े एंड वापस हमें थंडरडोम में ना जाना पड़े। वैसे आपका क्या कुछ रिएक्शन है इस बैड अपडेट पर वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। तो अब बात की जाए अपने नेक्स्ट लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के होने वाले डे वन पेपर व्यू के मैच से। अब तो लग रहा है कि भाई डे वन पेपर व्यू जल्दी से आ जाए, ऐसा ना हो कि ये भी हमें बिना फैंस के देखने को मिले। बिकॉज इस बार डे वन के पेपर व्यू में जो हमें रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिलने वाला है, वहां पर जरूर से कुछ ना कुछ शॉकिंग एलिमेंट होने वाला है। क्राउन जूल में जब रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ था वो पहली बार हो रहा था, इसलिए लग रहा था कि वहां पर रोमन रेंस किसी तरह से अपनी टाइटल रिटेन कर लेंगे। बट WWE शायद से ब्रॉक लेसनर को लगातार दूसरी बार नहीं हराना चाहेगी, इससे उनका रेपुटेशन डाउन हो सकता है। तो यहाँ पर उनके यूनिवर्सल चैंपियन बनने के तो चांसेस है ही। अब तो हमारे पॉल हेमन भी रोमन रेंस से अलग हो चुके हैं। तो गाइज, एक मेजर हिंट मिल चुका है कि यहाँ पर हमें ब्रॉक लेसनर बनते हुए दिख सकते हैं WWE चैंपियन। ये कुछ और नहीं, ये है लाइव इवेंट से रिलेटेड। आप सबको बता दूं, पहले कुछ अपडेट्स आ रहे थे कि ब्रॉक लेसनर हमें जनवरी के लाइव इवेंट में देखने को मिल सकते, बट उतनी कुछ ज्यादा वो ट्रस्टेड सोर्स से नहीं थी। लेकिन गाइज, अब जो जनवरी 8 एंड जनवरी 15 का जो WWE का लाइव इवेंट या फिर सुपर शो होने वाला है, वहां पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच एडवर्टाइज किया जा रहा है मैकेंटायर वर्सेस लेसनर और रेंस के बीच। और आप सबको पता है, ये पहले भी रोमन रेंस के अगेंस्ट कई सारे सुपरस्टार्स आए, एंड WWE जब भी रोमन रेंस का मैच एडवर्टाइज करती थी आने वाले टाइम के लिए, वहां पर और करके रोमन रेंस का नाम नहीं लिखा जाता था, सिंपल लिखा जाता था रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकेंटायर या फिर रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो, जो भी हो। बट यहां पर गाइस, WWE ने ड्रू मैकेंटायर वर्सेस रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच एडवर्टाइज किया, यानी कि ड्रू मैकेंटायर तो रहने वाले यूनिवर्सल चैंपियनशिप के चैलेंजर, बट उनके अगेंस्ट हो सकते हैं चैंपियन ब्रॉक लेसनर या फिर रोमन रेंस। और ये चीज करने का पॉसिबली गाइस दो रीजन हो सकता है। पहला ये है
WWE फैंस को कंफ्यूज करना चाहती है। एंड दूसरा रीजन ये है कि भाई ब्रॉक लेजर बनने वाले हैं यूनिवर्सल चैंपियन, इसलिए लाइव इवेंट एडवर्टाइजमेंट पर भी WWE इतना ज्यादा फोकस कर रही है। बिकॉज आप सब सोचो, अगर आप टिकट लेकर रोमन रेंस को देखने गए एंड उनके जगह वहां पर ब्रॉक लेजर दिखे, देन हो सकता है कुछ लोग खुश ना हो, एंड इसका उल्टा भी हो सकता है कि कुछ लोग लेसनर के लिए गए एंड उनके जगह वहां पर रेंस दिख जाए। सो इस चीज से लाइव इवेंट वाले कुछ फैंस खुश नहीं होंगे, इसलिए WWE ने यहां पर क्लियर मेंशन कर दिया है कि लेसनर और रेंस के डे वन के मैच में जो भी विनर होगा वही यहां पर आप सबको देखने को मिलेगा एज अ चैंपियन। इसलिए गाइस कह सकते हो आप सब, ये एक मेजर हिंट है जिसके वजह से हो सकता है WWE प्लान कर रही हो ब्रॉक लेजर को फाइनली यूनिवर्सल चैंपियन बनाने का। एंड आप सबको पता ही है, अगर ब्रॉक लेजर बनते हैं यूनिवर्सल चैंपियन, देन यहां पर पॉल हेवन का एक मेजर रोल हो सकता है। यानी कि रोमन रेंस ने तो पॉल हेवन पर अटैक कर ही दिया है, हो सकता है पॉल हेवन अपना बदला लेने के लिए ब्रॉक लेजर को डे वन के पेपरव्यू में जिता दे। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि अब जब लगभग एक हफ्ते दूर है डे वन का पेपरव्यू, आपको क्या लगता है डे वन से एज अ यूनिवर्सल चैंपियन कौन बाहर निकलने वाला है, रोमन रेंस या फिर ब्रॉक लेजनर। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।